अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान साहब क्या हाल है, खैरियत है? आज ईद का तीसरा दिन है, हम आपसे गले मिलने आए हैं और माजरत करने आए हैं। देखो चाचा भतीजा, बार बार हम आपसे मदद कर रहे हैं कि हमारा पीछा छोड़ दें, अभी हम बहुत परेशान हैं और बहुत तंग हैं। आज ईद के तीसरे दिन देखो हम आपसे ईद की नमाज़ पढ़कर गले मिल रहे हैं। ईद की नमाज़ पढ़ी थी, आज ईद का तीसरा दिन है, इस वजह से हम आपको मिल रहे हैं ताकि आप कुछ हमारे पे तरस आ जाए, रहम आ जाए। देखो हमने शेखे के भी साथ बात की है, देखो आपके कंधे पर हाथ रखकर शेख भी आपकी हमारी तरफ से मदद करता है। चलो हमें आप छोड़ दें, हमें पता है कि आपका पीछा हमारे लिए बड़ा परेशान कुन है। एक अरसे से हम खा पी रहे थे और आपने हमें तंग से परेशान कर दिया है। अरे चल खान साहब, खान साहब जाने दे यार, आप मेरे बड़े भाई हैं और प्यारे भाई हैं। चलो ये छोड़ने के काबिल तो नहीं हैं, इन्होंने जो काम किए हैं इतनी एक ही ज़िंदगी गुजर गई है, अभी हम भी इतनी उम्र तक पहुंच चुके हैं, ये छोड़ने के काबिल तो नहीं हैं। देखो हमजा शहबाज ने भी कैसे मुंह लटकाए हुआ है। चल खान, मैं भी आपकी चलो मिन्नत समाज करता हूँ, नहीं तो छोड़ने वाले तो ये नहीं हैं। चलो खान साहब, अभी आप इनका पीछा छोड़ दें, खाने दें इनको, कर लें कितना कर लेंगे। चलो ये भी जला वतनी एक अरसे से गुजार रहा है मियां गंजा, अभी तू छोड़ दे इनको, चलो अपना काम कर और इनको जो भी करते हैं इनको करने दे। देखो हमजा शहबाज भी ईद का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में गले मिल रहे हैं, मिन्नत समाज तो बार बार कर रहे हैं खान, ठीक है? और तू तो सच्चा है ना, सच्चे के साथ तो अल्लाह पाक की ज़ात भी होती है। चलो फिर से वही ये जो ये पापड़ वाले टाइप लोगों से। हाँ हाँ खान चाचा, आपकी मेहरबानी है। देखो आज ईद के तीसरे दिन आपसे हम मुलाकात कर रहे हैं, चाचा शेख को भी हम सफारशी बनाकर आपकी तरफ लाए हैं, शायद आप चाचा खान कुछ मान जाएं, हमारे साथ कुछ तावन कर लें, कुछ चार दिन अभी हमारी भी एक होंद चलने दें। देखे ना, मैं तो पहली दफ़ा पंजाब का वज़ीर आला बनाऊँ, कुछ थोड़ा सा मुझे भी खाने दें, फिर आप आ जाएं तो आप खाते रहें, आपकी मेहरबानी होगी। आप तो छोड़ने के का दिल ही नहीं आप कर रहा है, शायद आप हमें तसीह देकर आप हमें टॉर्चर करके शायद दिली सुकून ले रहे हैं। चाचा खान साहब देखो ना, मेरा चाचा भी एक अरसे से घर से बाहर अपने वतन से बाहर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, हम लाकर कमज़ोर हो चुके हैं, बड़ी परेशानी है खान साहब। चाचा खान आपकी मेहरबानी होगी हमें छोड़ दें, चाचा शेख को भी हम इसलिए सिफारशी बना कर लाए हैं। अच्छा जी शुक्रिया। चलो गंजे, अभी मैं आपको कुछ अर्से के लिए माफ़ करता हूँ, लेकिन फिर भी अपना मैं कुछ ना कुछ करूँगा जी। अभी अगर इसके बाद आपने कुछ अगर किया, या आज ईद का तीसरा दिन है, आप मेरे पास पड़े पीछे पड़े हुए हैं, चल शेख की सिफारिश कबूल करता हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? प्यारे दोस्तों और भाइयों से गुजारिश है कि यार वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ लगे हुए घंटी के आल के बटन को जरूर प्रेस करें। यार ये एक फनी वीडियो है, इसका किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है, जस्ट एक फन आपको एंटरटेनमेंट के लिए है। थैंक्स।